हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। तो आज आया है बहुत तेज आंधी और तूफान, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मंटू बप्पा चैनल में। आशा करते होंगे आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बारिश का जहां भी होंगे आनंद ले रहे होंगे, क्योंकि हमें लगता है कि ये बारिश हर जगह है। बोले तो हर जगह, और इस बारिश के होने से फायदा ये है कि जो हमारे किसान लोग हैं वो लोग बीज डालना हुआ, धान का बीज भी अब आराम से डाल, क्योंकि जमीन ठंडी हो गई कुछ, क्योंकि बारिश बहुत हुआ है। अब यहाँ तो बहुत हुआ है, और कहीं कहाँ कितना हुआ है नहीं पता, लेकिन इधर के किसान के लोगों को बहुत, किसान के लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है ये कि मतलब बारिश हुआ तो अब खेत ठंडा हो गया, बीज भी डाल सकते हैं जिससे कि रोग कम लगते हैं। जब जमीन गर्म कम रहती है, जमीन गर्म नहीं रहती है और बारिश हो जाता है और बीज डालने पर रोग कम लगते हैं धान के बीज। ऐसा हम तो कभी खेती किए नहीं है दोस्तों, लेकिन जो लोग किए हैं शायद उन लोगों के मुँह से सुने उन्हें हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। अब धान का फसल एकदम लहलहाते हुए एकदम मतलब बीज बहुत अच्छा निकलेगा, अंकुरित होकर के अगर बीज डाला जाएगा तो बहुत अच्छी खबर है। और चलिए आप लोग दिखाते हैं कितनी बारिश हुई है, कितना आम झड़ा है, सब कुछ दिखाते हैं आप लोगों को वीडियो में। दोस्तों देखिए, आज मंटू का जन्मदिन है, तो मंटू तरबूज का केक काट रही है। यहाँ पे मंटू जी बैठी हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है आपको तरबूज का केक काट के? बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों पहली बार हम देखे हैं कि कोई हमारे घर में तरबूज काटा है अपने जन्मदिन पे। तो दोस्तों तो दोस्तों इसीलिए केक काटी है इसको, ताकि खाएं जल्दी जल्दी ना, और लोग भी आइए और खाइए और तरबूज। अपने जन्मदिन पे बुलाओगी नहीं सबको? आप लोग भी आइए और तरबूज खाने का आनंद लीजिए। देखते तरबूज काट काट के हमको मतलब जीभ में पानी दो, तो इतना मीठा है कि इसके भी जीभ में पानी ऐसे कि जीभ लप लप कर रही, लप लप बहुत मीठा है। दोस्तों मेरे लिए पापा लेकर आए हैं, नई छुटिया लाई है पापा। दोस्तों हम रात में गए थे 8 बजे लेके आए थे, सामने बेचता है, कह रही है पापा लेके आए हैं, पापा लेके आए हैं, पापा यहाँ सोए हैं, यहाँ मोबाइल चला रहे हैं। देखिए फाइनली तरबूज जो है हम पीस पीस काट दिए हैं और खाने जा रहे हैं। अब खाना बस खाना है, बीज भी निकाल के फेंक दिया है, यहाँ सब फेंक दिए हैं। एक घंटा में तो इनको काटने लगा, उतना तो हम लोग खा लिए होते। ये बैठ कर नहीं खाएंगे, सोए सोए ही खाएंगे, क्योंकि इनका पेट खराब है। सुबह सुबह से दौड़ रहे हैं, लैट्रिन दौड़ है, लूज मोशन हो गया है, अब जा रहे हैं। चलो आ जाओ खा लो। ठीक दोस्तों, रात के बज रहे हैं 8:30, आप सब देख सकते हैं यहाँ पे। और मंटू क्या कर रही हैं, घर की धुलाई यानी कि बरामदे का, यहाँ घर ये सब धुला गया है, अब यहाँ धुल रही हैं। क्यों मंटू जी? बहुत गंदा हो गया था दोस्तों, बहुत गंदा हो गया था, इसीलिए यहाँ सब लोग बाहर, यहाँ सब लोग बाहर सो रहे हैं। कल बृहस्पतिवार है इसीलिए घर धुला जा रहा है। तो दोस्तों देखिए अभी रात में हमारा घर कैसे दिखता है, आप सबको दिखाते हैं। यहाँ ऐसे है सामने, इसके बाद से इधर है पापा का ऑफिस, इधर है हम लोग का रूम, इधर दो कमरे हैं और अंदर है, आप सबको दिखाते हैं हम लोग का रूम जो कि अभी सब बिखरा हुआ है। आजकल कोई अंदर सोता नहीं है, इसीलिए सब इधर उधर हो गया है। और मंटू जी, हाँ हम बाहर निकल गए, यहाँ मंटू जी हैं जो कमरा धुल रही हैं, हो गया काम खत्म। दोस्तों रात के बज रहे हैं 10 और यहाँ पे मंटू खा रही फुल्की, मैं भी खा रही हूँ, आप सबको दिखा रही हूँ कितना बज रहा है, 10 बज रहा है दोस्तों। तो हम लोग अब खाने जा रहे हैं फुल्की। ठीक, कुछ बोलोगे कि मुँह हम भरबे करोगी? नहीं दोस्तों, खाना बना के खा लिया, हमारे पापा भी खाए, 4 खा के वहाँ सामने सोए हुए हैं, बच्चों से कम नहीं है, वो भी आके बैठे थे, मांग नहीं रहे हैं, बैठे थे चुपचाप। बहुत अच्छा है, खा लो, रखो मोबाइल, चलो खा ला, रखा। हेलो दोस्तों, ये देखिए कितना तेज बारिश हो रहा है यहाँ, झमाझम झमाझम 5 बजे से हो रहा है। तो मंटू जी दिखा रहे हैं, मंटू जी काम कर रही है, दे रहा है। तो दोस्तों अभी हम रोटी बना रहे हैं, आज हमारे यहाँ इतनी तेज आंधी तूफान आई थी, इतनी तेज आई थी जैसे लग रहा था उड़ जाएंगे, हम ही नहीं सबको यही लगा होगा, एक भयंकर तूफान आई हुई थी, एकदम चारों तरफ धूल ही धूल और कुछ नहीं, क्योंकि बारिश भी कभी नहीं हुआ था और धूल तब उखड़े हुए थे, एकदम धूल धूल पूरा एकदम
अरे एकदम कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सड़क पे। सोचिए मार्केट का ये हाल है तो गांव देहात का क्या हाल रहा होगा। तो किसके किसके यहाँ बारिश हो रहा कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो बहुत तेजी से बारिश हुआ है और अभी भी थोड़ी देर के लिए बंद हुआ था, बंद एकदम नहीं होता, रिमझिम रिमझिम होता, फिर अभी तेजी से होने लगा है। अब सोच रहे हैं दोस्तों कैसे नहाएंगे, बड़ी समस्या है। तो दोस्तों फिर से बारिश स्टार्ट हो गया। देखिए जितने सड़क पे पन्नी झिल्ली पेपर सबसे बिस्कुट का पैकेज सब हमारे घर आ गया, सब सड़क से अंदर आ गया है। अब इसको साफ करने में ना एक आध दो घंटे लगेंगे। वहाँ देखिए सामने दुकान है, यहाँ सब हम लोग बैठे अपने किचन वाले दरवाजे पे। दोस्तों मंटू जा रहे हैं आम बिनने, चलिए दोस्तों। इतना गंदा हो गया, देखिए दो तीन यहाँ पे है, देखिए दोस्तों सारे आम यहाँ गिर गए हैं। देखिए यहाँ नाली में आ गया, देखिए आम ही आम गिरा है। देखिए तो यहाँ मंटू बिनने आई है आम, क्या करोगी? हाँ बहुत पड़ोसी के यहाँ जनबे करती हूँ। दोस्तों यहाँ सब गिरा है, झड़ गया दोस्तों कच्चे है, अब क्या करेंगे, बहुत लालच आ रहा है। आधा बंदर खा के गिरा दे रहे हैं और यहाँ पे गिरा है। उस पेड़ में का नहीं गिरा दोस्तों, उस पेड़ में लग रहा उसमें भी उस साल उतना फरा था, इतना फरा था, इतना फरा था, क्या बताएं। देखे होंगे ही आप लोग वीडियो में, गिर मत जाना, छिलका बनाने लायक है ना दोस्तों। यहाँ देखिए सब पेड़ और टेढ़ा मेढ़ा है, एक वहाँ है, इतना सारा भी पा गए हैं और बीन के गया है अंदर और इधर गिरा है पेड़ के नीचे। रहने दो, कहाँ जाओगी, उधर से आओ ना, उधर गिरा। दोस्तों यहाँ पे सारा आम लटक गया है क्योंकि बारिश होने की वजह से ओजन हो गया है। देखिए आप लोग, यहाँ देखिए आप लोग कितना ओजन है। इधर देखिए दोस्तों इतना सारा पाया, अभी उधर सवाल तो उधर पैर धंस रहा है इसलिए उधर नहीं गए दोस्तों, उधर जाने लायक नहीं, पैर बहुत ज्यादा धंस रहा, बारिश बहुत ज्यादा, मिट्टी थी एकदम सूखी, धरधर सोख लिए। पहली बार दोस्तों इतना तेज इस सीजन में, हमें लगता है पहला बारिश इतना तेज हुआ है, पूरा पानी सोख लिया, टक रहा है पैर तो पूरा धंस जा रहा है, शाम तक भीगने लायक हो जाएगा। इस पे चल रहे नल पे धुलेंगे, धुल के और छिलका बना के नहीं दोस्तों, हमको खट्टा पसंद नहीं है, बहुत दुबली हो गई है, आम खाएगी तो मोटी हो जाएगी। दोस्तों देख चुके आप लोग कितना सारा आम नुकसान हो गया है। ऐसा हमारे यहाँ नहीं हुआ है, जहाँ जहाँ आम लगे होंगे पेड़ पौधे में सबके आम का यही हाल हुआ होगा। और बहरहाल मौसम इतना ठंडा, मन कर रहा है कि बस कंबल ताने और सो जाएं, लेकिन कंबल डाल के सोया नहीं जा सकता है, बहुत सारे काम है अभी आप लोगों के लिए, शॉर्ट वीडियो भी बनाने हैं इंटरटेनिंग के लिए, तो अभी चल रहे हैं, कुछ काम धाम है करेंगे, साफ सफाई का, क्योंकि इतनी तेज़ आंधी तूफान आया था पूरा घर में पत्ती धूल मिट्टी प्लास्टिक रोड से उड़ करके सब कुछ आया गेट के अंदर, तो सब कुछ साफ सफाई करेंगे। इसके बाद फिर तैयार होंगे और सब खाना बना दिए, बस चावल नहीं बनाए, चूँकि चावल आप लोग बताएं कि 12 बजे लगभग बनता है आसपास, तो चल रहे हैं फिर साफ सफाई करके तैयार होंगे और शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करिए। ओके बाय बाय।